लेट्स एक्सप्लोर कैफेज इन नोएडा। सेक्टर 104 नोएडा में जो एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, वहाँ पर आए हैं आज हम द सॉल्ट कैफे में। एस्थेटिकली प्लीजिंग है एंड हम एक ऐसा कैफ़े आज ढूंढ रहे थे जहाँ पे लाउड म्यूज़िक ना हो बट अल्कोहल हो। तो हमें ऐसा कैफ़े यहाँ पर मिल गया है जहाँ पे सिटिंग बहुत अच्छी है, म्यूज़िक धीमी आवाज़ में है और हम बातचीत भी कर सकते हैं। पहली चीज़ लेकिन हमने जो ऑर्डर करी है LIT, ये तो बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आई। लेकिन फिर मैंने ये लाइलैक लव कॉकटेल ऑर्डर किया और ये कैफ़ीर लाइम वाला कॉकटेल ऑर्डर किया, तो ये सबको बहुत अच्छा लगा। इनके फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ कॉकटेल्स का प्राइस ज़्यादा है, नॉट दैट मच वर्थ इट। बट हाँ खाना काफ़ी अच्छा है। क्रीम ऑफ चिकन सूप बहुत ही अच्छा है जो शुभम ने ऑर्डर किया। मैंने स्वीट कॉर्न सूप ऑर्डर किया, ओके लगा, उतना कुछ खास नहीं लगा। और 240-250 कुछ इतने रुपए का है तो नॉट वर्थ इट। फिर शुभम ने ऑर्डर किया मनचाओ सूप जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आज शुभम के चॉइसेस काफ़ी अच्छे जा रहे थे तो हमने शुभम को पकड़ाया मेन्यू कि कर दो भाई ऑर्डर, हमारे लिए भी अपने लिए भी हम लोग वही खा लेंगे, क्योंकि शुभम फॉर अ चेंज काफ़ी अच्छा खाना मंगवा रहे थे। तो यहाँ पर आप मेन्यू को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स लेकर के देख सकते हैं। हाँ अफोर्डेबल नहीं है ये कैफ़े, थोड़ा सा प्राइस में बोलूँगी ज़्यादा है, बट बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूजींस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो उसके हिसाब से वर्थ इट है। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया ग्रिल चिकन इन रेड वाइन सॉस, और इसकी जो सॉस है इसके फ्लेवर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। चिकन भी बहुत अच्छे से ग्रिल्ड और टेस्टी जूसी अच्छा लग रहा है। साथ में ब्रोकलीज, मशरूम्स, एग्जॉटिक वेजीज हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। सेकेंड आइटम जो हमने ऑर्डर किया वो है ये चिकन स्टिक्स स्टफ्ड विद ऑलिव्स, और इसके नीचे पूरा ये मैश्ड पोटेटोज का बेस है और ये बहुत ही टेस्टी सी सॉस है। अमेजिंग, मस्ट ट्राई। एंड देन फिर ये दो कॉकटेल्स और आई, बी पॉप एंड यॉर्कशायर। जो ग्रेप फ्रूट वाली है वो अच्छी थी, एक सिनेमन और ऑरेंज वाली है वो ओके लगी मुझे। नाउ दिस इज चिकन रिलैड, चिकन का कुछ फ्यूजन सा वर्जन है। साथ में जो इन्होंने चिली मेयो दिया है ना, इसके साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है सबको। और फिर हमने ये ऑर्डर करे बटर गार्लिक प्रॉन्स। ये एक्चुअली जैसे चिली चिकन नहीं होता ग्रेवी वाला, इस तरीके के आए। हमने सोचा था क्रीमी वाले होंगे बट अच्छे थे। इसके साथ में फिर हमने हक्का नूडल्स भी खाए एंड यहाँ के हक्का नूडल्स भी बहुत अच्छे थे। फिर हमने ये ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट ऑर्डर किया जो कि मशरूम से स्टफ्ड हैं। साथ में गार्लिक ब्रेड भी आई, स्पेगेटी भी आई, मैश्ड पोटेटो भी और सॉस भी, तो बहुत अच्छा प्लाटर बन गया। मैश्ड पोटेटोज तो उनके बहुत ही अच्छे हैं। अब बिल लेकिन बहुत ही ज़्यादा आया बट कोई नहीं, 5 जने थे हम लोग तो मैनेज हो गया। कैसा रहा यहाँ का तुम लोगों का एक्सपीरियंस? शिवम ने तो तब बोला था मुझे कुछ की मजा हो गया मुझे तो। बिल बहुत आ गया, खाना बहुत बढ़िया था। जोमैटो स्विगी पे डिस्काउंट नहीं मिला? 9-in पे स्विगी पे डिस्काउंट नहीं मिला? स्विगी से लिया, जोमैटो से लिया? सच बताना है? सच बताना है? जिस कंपनी में जॉब करते हो वो वाला नहीं बताना है। 75 रुपए वो भी दिया है कन्वीनियंस फी स्विगी को। थोड़ा सा महंगा तो है यहाँ का खाना बट यार वेरी डिफरेंट एक्सोटिक क्यूजीन और बहुत डिलीशियस भी, एक्चुअली अच्छे लगे, मजे आ गए खाकर के। मैं नॉर्मली ऐसा अलग अलग खाना नहीं ट्राई करती हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं चुप रही जो इन लोगों ने बोला मैंने खाया, बट मजा आ गया। ड्रिंक्स नहीं, मेरे वाले पर्पल वाली अच्छी थी। पर्पल वाली थी।